गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बेहतर फील कर रहे होंगे और कहीं कहीं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही। लेकिन आप में से अधिकतर बच्चों को उन बच्चों के बारे में भी सोचना होगा जो बच्चे प्रयागराज जैसे ज़िलों में हों, वहाँ से अपना जो रूम है वो छोड़ करके वापस आ गए हों और वहाँ के मकान मालिक जो हैं उनसे अभी भी किराया मांग रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे सक्षम हों, जो दे सकते हों वो दे दें या बाद में दे दें, लेकिन जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, जो फाइनेंशियली कहीं कहीं दिक्कत में हैं, उन बच्चों के साथ तो उन मकान मालिकों को कहीं कहीं एक रियायत करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, उनके साथ जनरोसिटी दिखानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे बच्चों। लेकिन आपको कुछ करना होगा बच्चों। अगर आप चाहते हों उन बच्चों का भला हो, वो बेहतर बने, तो आपको क्या करना होगा? प्रयागराज के जितने भी टीचर्स हैं उन सारे टीचर्स को क्या करें, आप मैसेज करें, कॉल्स करें, टैग करें उन्हें अपनी पोस्ट में और उन्हें बताएं कि आप मीन्स वो बच्चे कौन सी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिन बच्चों को रेगुलरली उनके कॉल्स पे या तमाम तरीकों से मकान मालिक जो है, लैंड ओनर्स जो हैं, धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमारा ये रूम खाली करो, नहीं तुम्हारे सामान वगैरह फेंकवा दूंगा मैं। ये कतई अच्छा नहीं है बच्चों। ठीक है, उनके अपने कुछ तर्क हो सकते हैं जो लैंड ओनर्स हैं, लेकिन कहीं कहीं उन बच्चों के प्रति उनको जनरस होना चाहिए, थोड़ा सा एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए उनको। ठीक है, तो आप सारे बच्चे ये करें, प्लस जो यूनिवर्सिटी वगैरह के नेता वगैरह लोग रहे हैं उनसे संपर्क करें और कहें कि वो आपकी बात को उन मकान मालिकों के सामने रखें, जरूर रखें बच्चों इस तरह। और क्या करें, मुख्यमंत्री योगी जी को क्या करें, टैग कर, अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हो तो टैग करके हैशटैग चला के उनको आप इंगित करें, उनको आप बताएं कि कौन सी दिक्कतें वो बच्चे झेल रहे हैं। अपनी बात को रखना है बच्चों तो मुखर होना होगा, अपनी बात को कहना सीखना होगा। ये कहें आप हर जगह, बिल्कुल कहते हैं ना वो जाम कर दें सब कुछ कि नहीं हमको ये बात प्रशासन को या उन मकान मालिकों को सुनवानी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रशासन और मकान मालिक आपस में बैठ करके बात करें और उन बच्चों के लिए कोई कोई सॉल्यूशन निकले जो बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरी भावना समझ रहे होंगे कि आप मदद करें बच्चों, उन बच्चों की जो बच्चे नीडी हैं, दिक्कत में हैं। ठीक है, चलिए आज का कोट देखते हैं। और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये हमेशा रहेगा बच्चों, क्योंकि ये कोट हमेशा काम आएगा कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है, आप इस कोटेशन को लाइफ में फॉलो करिए कि जरूरी नहीं बच्चों कि आप महान हो तभी आपको शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको महान बनना है तो आपको शुरुआत करना आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी। जो मैं करता रहा हूं करूंगा भी, वैसे ही आप भी अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पहला स्टेप जो इनिशियल स्टेप होता है वो लेना सीखें बच्चों। डरे नहीं, हमेशा आगे बढ़ें आप। आज का कोट वी नोट, यानी वो कोट जो हम नोट करते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, वो क्या है कि द एक्सपर्ट इन एनीथिंग, कि किसी भी चीज में जो एक्सपर्ट है वाज वंस अ बिगिनर, वो भी कभी क्या था, बिगिनर था, यानी वो भी कभी कभी क्या था, उसने कभी शुरुआत ही की थी, कहीं वो जन्मजात कहीं वो एक्सपर्ट नहीं बन गया था। ठीक है, तो अगर कहीं आपकी कमजोरियां हो, हमारी कमजोरियां हो, तो निराश ना हो और ये माने कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जो प्रैक्टिस होती है वो परफेक्शन की तरफ ले जाती है। तो परफेक्ट बनने के लिए कहीं कहीं आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कोई कोई जन्मजात कोई एक्सपर्ट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, मेहनत करें, प्रयास करें, हर लक्ष्य आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स टेस्ट है, इसमें कुछ हैं और आज मैंने जोड़ी हैं जो देखेंगे अभी आप। पहला बिल्कुल इजी है, विजिलेंट, आपको याद होगा विजिलेंट वो होता है जो कौन है, ऑब्जर्वेंट होता है, अर्थात जो अपने आसपास की चीजों के प्रति भिज्ञ होता है, उनको उनके प्रति अलर्ट होता है, कॉशस होता है, वॉचफुल होता है, वैरी होता है, वो विजिलेंट होता है, मीन्स ऑब्जर्व करता रहता है, ऑब्जर्वेंट होता है। माइल्ड हल्का होता है, एम्प्लॉयड जो किसी रोजगार में या किसी कार्य में लगा हो, गवर्न्ड जो नियंत्रित होता हो या नियंत्रित करता हो। बॉम्बर्ड याद है, बॉम्ब से बना है, एक सेंस में गोला बारूद बरसाना होता है और एक सेंस में आलोचना की या प्रश्नों की बौछार लगा देना, बिल्कुल। तो यहां बॉम्बर्ड का वही अर्थ है, इनंडेट अर्थात सराबोर कर देना, ढक देना, बिल्कुल भर देना, बिल्कुल, दिस इज बॉम्बर्ड। वायलेटेड समझते होंगे, वायलेट से बना है, वायलेट मीन्स उल्लंघन करना, जब हम किसी नियम किसी कानून का उल्लंघन करते हैं हम उसे वायलेट करते हैं। एक्जसर्बेट याद है आपको,
किसी चीज को बहुत बिगाड़ देना और खराब कर देना, उसे एग्रवेट कर देना, इनश्योर याद है आपको, सुनिश्चित कर देना। एग्जॉर्बिटेंट पढ़ा था आपने, जो चीज जरूरत से ज्यादा होती है वो एग्जॉर्बिटेंट होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरूरत से ज्यादा का क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें होगा, इसमें एक भी वर्ड नहीं है बच्चों। देखें प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेस करने का कार्य, किसी प्रक्रिया को चलाने का कार्य। आइसोलेटेड क्या होता है, जब इंसान अपने को अलग थलग कर ले। एक्सट्रॉशनेट क्या होता है, जब आप किसी से ऐसे व्यक्ति की बात करें जो धन उगाही करता है, मीन्स कहीं कहीं दूसरों से पैसा ऐंठता है गलत तरीके से, वो एक्सट्रॉशनेट होता है। टेम्पर क्या होता है, किसी चीज को शांत करना, कम करना। और ठीक है, अगर आप एग्जॉर्बिटेंट को एक्सट्रॉशनेट यूज करना चाहते हैं ना करें बच्चों, ये अलग वर्ड हो सकता है और ये अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वारंट कई होता है बच्चों, लेकिन मैंने जो वारंट आपको पढ़ाया था उस सेंस में क्या था, किसी चीज को नेसेसिटेट कर देना, यानी उसे जरूरी बना देना, उसे जस्टिफाई करना कि नहीं इसकी आवश्यकता थी, ये वारंट होता है। तो इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो वारंट का क्या हो जाएगा, जस्टिफाई करना कि हाँ ये जो किया गया ये कार्य सही था क्योंकि इसकी नेसेसरी था, ये जरूरी था, ये दिस इज वारंट। इम्पास याद है आपको, कोई बाधा कोई अवरोध जो होता है वो एक इम्पास होता है, एक स्टैंड ऑफ, एक जो डोकलाम के सेंस में आपने पढ़ा था। वैनक्विश क्या होता है, डिफीट कर देना, हरा देना, विजय प्राप्त कर देना, सबड्यू कर देना किसी को। और इनिशिएट क्या होता है, कमेंस करना यानी शुरुआत करना, प्रारंभ करना। को ऑप्ट के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन को ऑप्ट का एक अर्थ होता है कि कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना। ठीक है, उसी सेंस मैंने दिया, मीन्स को ऑप्ट को मीन्स अपॉइंट करना। वैसे जब आप किसी को किसी मीटिंग वर में बुलाते हैं तो वो भी आप को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, क्वारंटाइन आप जानते हैं, अलग थलग करने के कार्य को। लिबरेट आप जानते हैं, उदार हृदय से ही संबंधित है आपका ये, और मुक्त करने से संबंधित कह सकते हैं आप। और एकोमोडेट कई हो सकता है, लेकिन जो आप जान सकते हैं वो एकोमोडेट होता है। एडेप्ट करना, ढालना, अनुकूल बनाना, समायोजित करना, किसी को जगह देने के सेंस में भी एकोमोडेट होता है, और उसी से एकोमोडेशन बना है, जहां पे हम रहते हैं वो जगह जो होती है वो एकोमोडेशन कहलाती है। एग्जसर्बेट याद हो गया आपको, मैं बढ़ा चढ़ा के कहना, अर्थात किसी चीज को बहुत बिगाड़ देना, बदतर कर देना, ये एग्जसर्बेट है आपका, मीन्स क्या हो जाएगा, एग्रवेट हो जाएगा, किसी चीज को और खराब कर देना, वर्शन कर देना। ऑक्सीमोरन याद होगा आपको, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, विरोधाभाषी अलंकार को कहते हैं। असिम्प्टोमेटिक कौन होता है, जो बीमार तो है, इन्फेक्टेड तो है, लेकिन उसके सिम्पटम्स नहीं दिख रहे हैं, लक्षण नहीं दिख रहे हैं। एवेराइश याद है आपको, नो वाइस लाइक एवेराइश, लालच बुरी बलाए, तो एवेराइस मीन्स क्या होता है, एवेरिस मीन्स क्या होता है, लालच होता है। ठीक है, ये मैंने जोड़ा बच्चों धीरे धीरे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आगे मैं इडियम्स भी इसमें जोड़ूंगा। Someone in love with himself, बहुत लोग क्या होते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं, उनकी नजर में उनसे अच्छा कोई नहीं होता है, ऐसे लोग कौन होते हैं बच्चों, नार्सिसिस्ट होते हैं। कौन, नार्सिसिस्ट, यानी जो आत्मश्लाघी होता है, आत्म प्रशंसा में डूबा होता है, वो नार्सिसिस्ट होता है, उसे खुद से बहुत प्यार होता है। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ देखता हो। लिंग्विस्ट, भाषा विज्ञानी, जो एक भाषा का जानकार होता है। पेसिमिस्ट, जो डार्क साइड की तरफ देखता हो, यानी निराशावादी। अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर्ड टू अप्लॉड एट अ परफॉर्मेंस, यानी कोई परफॉर्मेंस हो रही हो और वहां प्रशंसा करने के लिए अगर हायर किए गए हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को क्या कहेंगे हम, क्लिक नहीं कहेंगे। क्लिक क्या होता है, कोई गुट, कोई गिरोह जो होता है, स्पेशली किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का, वो क्लिक होता है, जिसको फैक्शन आपने पढ़ा था, FACTION। हाँ, क्लाक हो जाएगा, क्लाक कौन होते हैं, किराए के जो प्रशंसक होते हैं, प्रशंसा करने वाले, तो जो किराए पर खरीदे जाते हैं उन्हें क्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, किराए के प्रशंसक को क्लाक कहते हैं। कॉकस क्या होता है, एक ऐसी बैठक जो विरोधी गुट वगैरह की बैठक होती है,
वो कौकस होती है, यानी गुट बैठक, गुट की बैठक। और फ्लाक दो अर्थों में होता है, एक वो विमान विधि जो तोपखाना होता है, गोलाबारी होती है, उस सेंस में भी फ्लाक होता है, और जब आप किसी की तीव्र निंदा करते हैं तो भी आप उसे फ्लाक करते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ पढ़ते पढ़ते वर्ड भूल जाएंगे बच्चों, बट मैं बोल रहा हूँ ना, आप रिपीट करके सुना करें, याद हो जाएगा धीरे धीरे आपको। और पॉज कर करके धीरे धीरे आगे, जब ये मैं पढ़ा लिया करूँ, बाद में पॉज करके आप सुना करें अच्छे से, क्योंकि तैयार करना ही आपका मकसद होना चाहिए। फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी जो एक शव यात्रा होती है, फ्यूनरल प्रोसेशन, वो क्या होता है? वो कॉर्टेज होता है। वैसे कॉर्टेज कहीं भी जुलूस के लिए भी आप, या बहुत अधिक प्रश्नता भरे जुलूस के लिए भी आप यूज करते हैं, लेकिन फ्यूनरल प्रोसेशन शव यात्रा के लिए भी आप यूज करते हैं। कारवां जानते होंगे आप, वो जुलूस जिसमें व्हीकल्स यानी गाड़ियां वगैरह होती हों, या लोग होते हों, उनका पूरा मंडली निकल रही होती है, वो कारवां होते हैं। इसमें जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, ये कारवां होता है। कार्ट्रिज क्या होता है? कारतूस को कहते हैं। किसको कहते हैं? बंदूक की जो कारतूस होती है वो कार्ट्रिज होती है। वैसे प्रिंटर में जो आप लगाते हैं प्रिंट करने के लिए, वो भी कार्ट्रिज होती है। डर्ज क्या होता है? किसी के मरने पर जो गाया जाने वाला शोक गीत होता है वो क्या होता है? डर्ज होता है। ध्यान सुनिएगा, डर्ज किसी के मरने पर गाया जाने वाला जो शोक गीत है वो डर्ज होता है। तो फिर ये क्या होता है बच्चों? एलजी, ये किसी के मरने के बाद उसकी याद में जो पोयम लिखी जाती है वो एलजी होती है। ठीक है, चलिए, ये आज भी रूट्स और प्रीफिक्सेस आपको मैंने दिए। यहां मैंने छठवें क्रम से शुरू किया, यानी पांच मैंने जो कल दिए थे आपको वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आज मैंने दिया एमबी और एमफे, यानी किसी भी शब्द के आरंभ में, चूंकि प्रीफिक्सेस या रूट्स की बात कर रहे हैं, ये शब्द के आरंभ में रहेंगे। किसी भी शब्द के आरंभ में अगर एमबी या एमफी आते हैं तो उसका मतलब होता है राउंड या बोथ साइड, यानी दोनों तरफ, स्पेशली बोथ साइड से मतलब रखें आप एमबी या एमफी का मतलब। जैसे एम्फीबियन, जानते होंगे आप, उभयचर होता है, यानी जो जल और थल दोनों जगह रह सकता हो वो एम्फीबियन होता है। एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस कौन होता है? जो कुशल होता है। एमबी मतलब दोनों हाथों से, जैसे हम दोनों हाथों से लिख सकते हो तो हम क्या है? एमबी डेक्स्ट्रस है। ठीक है, तो कहीं भी एमबी या एमफी लगा है आप तुरंत समझ जाएं दोनों तरफ से इसका मतलब होगा। कहीं भी एंथ्रो लगा हो या एंथ्रोप लगा हो, इसका मीन्स मैन होता है, मानव, मनुष्य। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी में समझते हैं ना, अध्ययन होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन, यानी मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा इस चीज का जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान या मानव विकास विज्ञान कहलाता है। मिस एंथ्रोप में भी देखे एंथ्रोप है ना, मिस आपको पढ़ाया गया था, गलत रूप में लेना, मिस एक तरह से घृणा के रूप में लेना, तो मिस एंथ्रोप यानी एक ऐसा मनुष्य जो दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है वो क्या होता है? मिस एंथ्रोप होता है, मीन्स कहीं कहीं वो मनुष्यों से घृणा करता है। लेकिन फिल एंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिल कहीं भी लगाए बच्चों, प्रेम होता है, जो मनुष्यों से प्रेम करता है वो फिल एंथ्रोपिस्ट होता है। यानी मानव से जो घृणा करे वो मिस एंथ्रोपिस्ट, और मानव से जो प्रेम करे वो फिल एंथ्रोपिस्ट होता है। ऐसे वर्ड पावर भी मैं आपकी बेहतर कर दूंगा बच्चों, जो मॉडरेट लेवल पे हैं वो बच्चे तो जरूर अच्छा बना सकते हैं, लेकिन फिर वही है, एक बार में कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, आपको रिपीट करना होगा, बार बार चीजों को तैयार करना होगा और कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी। कहीं भी अक्वा लगा है, अक्वा मीन्स वाटर होता है, कहीं भी AQUA है वाटर होता है। जैसे अक्वेरियम, जल जीवशाला होते, इसे मछली वगैरह रखते हैं लोग, याद करें वो अक्वेरियम, क्यों? क्योंकि देखिए अक्वा लगा है, उसमें जल रहता है। अक्वेटिक, देखिए अक्वा लगा है, उन लोगों या उन जानवरों के लिए, या फिर आप वाटर मछलियों वगैरह यूज करते हैं जो अक्वेटिक होते हैं। अक्वेटिक में जलीय, यानी जलीय जो चीजें होती हैं या जो लोग होते हैं उनके लिए अक्वेटिक यूज किया जाता है। अक्वागार्ड, देखें ध्यान से, अक्वा पानी, गार्ड में रक्षा करना, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पानी की सुरक्षा करे, उसे अच्छा बनाए रखे, वो अक्वा गार्ड कहलाता है। यानी कहीं भी अक्वा है, अक्वा मीन्स वाटर, याद कर लिया।
कहीं भी किसी शब्द में एयूडी है, और सुनने से मतलब होता है बच्चों, और सुनने से मतलब होता है, हियर करने से मतलब होता है, इसी से ऑडियो बना है, याद करें, इसी से ऑडिबल बना है, सुनने योग्य, इसी से इन ऑडिबल बना है, न सुनने योग्य, इसी से ऑडियंस बना है, श्रोता, इसी से ऑडिटोरियम बना है, श्रोता गृह या श्रोता गार, जिसे आप प्रेक्षा गृह भी कहते हैं। तो कहीं भी एयूडी है तुरंत कह दें वहां पे हियर करने सुनने से मतलब है, और कहीं भी ऑटो लगा है इसके में सेल्फ होता है, ठीक है, जिसे ऑटोमैटिक स्वचालित को कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी जिसमें स्वयं वो आदमी अपनी बायोग्राफी लिखता है, अपनी बारे में लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा कहते हैं। ऑटोमेशन स्वचालन को कहते हैं, यानी वो हथियार वगैरह जो ऑटोमेशन में होते हैं स्वचालन को पालन करते हैं। एक और आप जानते हैं बच्चों, ये ऑटोग्राफ, अगर याद हो, ग्राफ आगे पढ़ेंगे आप, लिखना होता है और ऑटो में स्वयं होता है, तो जब आप स्वयं की राइटिंग में किसी को अपना हस्ताक्षर देते हैं या लिख के कुछ देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑटोग्राफ कहलाता है। लोग कहते हैं ना शाहरुख खान को ऑटोग्राफ चाहिए, दिस इज ऑटोग्राफ, अर्थात खुद वो लिख करके आपको देंगे कि यू आर वेरी स्वीट, तो आपके लिए उनका क्या हो गया, वो ऑटोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये जरूर सारी जो प्रीफिक्सेस और रूट्स आप पढ़ रहे हैं तैयार कर ले, कल से मैंने शुरू किया है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा जब तक मैं प्रिपेयर न करा लूं, ठीक है। ये एक वर्ड मैंने आज आपको दिया, नीदर का यूज। नीदर एक कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, जैसे यहां ब्लैक और व्हाइट के लिए आपने नीदर के साथ नार को जोड़ा, आपको याद होगा नीदर और नार का कॉम्बिनेशन होता है एक कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। आई लाइक नीदर ब्लैक नार व्हाइट, मैं न तो ब्लैक पसंद करता हूं न ही व्हाइट पसंद करता हूं। नीदर के साथ कंजंक्शन के रूप में नार न भूलेगा, एग्जाम में अगर आपको नार के बजाय यहां पे एंड दे दे या आर दे दे तुरंत समझ जाइएगा गलत है वो। नीदर द गर्ल नॉर द बॉय वॉज इंटरेस्टेड, यानी न ही वो लड़की और न ही वो लड़का वॉज इंटरेस्टेड, क्या था उनकी रुचि थी। ध्यान ये भी रखिएगा जब भी नीदर नार का प्रयोग होता है, ईदर आर का प्रयोग होता है और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होता है, तो उसमें हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लेते हैं आप, वर्ब लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे वर दे दिया जाता तो गलत होता, क्योंकि बॉय के साथ क्या आएगा, वाच आएगा। एक नीदर जो है एक प्रोनाउन के अर्थ में भी यूज होता है, इसकी पहचान क्या होगी, कुछ नीदर के बाद क्या लगा रहेगा, आफ जैसा कोई प्रीपोजिशन लगा रहेगा। जैसे आपने नीदर आफ देखा तुरंत समझ जाए यह एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर नीदर के साथ नॉर है तुरंत समझ जाए कंजंक्शन के रूप में है, अगर नीदर के साथ आफ है तुरंत समझ जाए वहां प्रोनाउन है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, ये नीदर होता है। तो नीदर ऑफ दीज टू बॉयज इज लेजी, यानी इन दो बच्चों में से एक भी लेजी नहीं है, ठीक है। आई नो नीदर ऑफ देम, यानी उनमें उन दोनों में से एक को भी मैं नहीं जानता हूं, यहां भी देखे नीदर के साथ आर है, अरे आफ है। एक एडजेक्टिव रूप में भी नीदर का प्रयोग होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं तब नीदर के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक है। जैसे नीदर बॉय, देखिए नीदर के बाद क्या आ गया, आफ नहीं आया बच्चों, नीदर बाद नाउन आ गया, वो भी सिंगुलर हमेशा आएगा, ध्यान रखिएगा। तो नीदर बॉय, नीदर यहां क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहां भी देखिए नीदर वन, वन तो ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले आपने नीदर लिया, ये भी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। इस नीदर में फिर भी होगा नीदर बॉय, यानी एक भी लड़का जो था वाज गोइंग देयर, वहां नहीं जा रहा था, इन दोनों में से एक भी लड़का वहां नहीं जा रहा, ठीक है। बच्चों ध्यान से सब देखिएगा, तैयार करेंगे, आपका भला होगा और मैं यही चाहता हूं आपका भला हो जाए, जल्दी से आप नौकरी वगैरह पा जाए, ताकि सारी जो झंझट वगैरह हैं जिंदगी के उनसे आप मुक्त रहें, इतना कम से कम आए कि आप आबाद रहें, खुश रहें हमेशा अपने परिवार के साथ। ऐसा तभी होगा जब आप सरकारी जॉब करें, ठीक है, और उसको करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट को, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इंग्लिश, जो भी आपका है उस पर आप मेहनत करें, मन से मेहनत करेंगे तब, बहानेबाजी नहीं, मन से मेहनत, ठीक है। ट्रांसलेशन ही मैंने आपको दिया बच्चों, ये मेरा टारगेट ट्रांसलेशन से ज्यादा प्रीपोजिशन है बच्चों, ठीक है। कल भी मैंने दिया था, परसों भी दिया था, आज भी है, आप इसे अपने से करें। यहां पे कौन से सब देखेगा, मैंने प्रीपोजिशन के हिसाब से दिए हैं,
कहाँ पे फ्राम लगाना है, कहाँ पे आप लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, अपने से करें। और मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको इनके आंसर्स मैं रोज डाल देता हूँ, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जरूर वहां जाके देखें कि आपने सही किया है गलत, और प्रीपोजिशंस का कैसे यूज किया गया है वो जरूर देखें आप। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वोकैब सेक्शन आपका है। स्टैंड ऑफ आप पहले भी पढ़े हैं बच्चों, जब कहीं पर कोई गतिरोध होता है तो वो एक स्टैंड ऑफ होता है। डोकलाम को याद कर लेंगे कि डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ था उसे भारत ने कैसे निपटाया, तो आपको याद हो जाएगा कि स्टैंड ऑफ मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का कोई गतिरोध होता है, यानी यह एक प्रकार का डेड लॉक है, यह एक स्टेलमेट है, यह एक इम्पास है, यह एक स्टैंड स्टिल है, यह एक डेड है, एक तरह से गतिरोध है आपका ये। ठीक है, तो कहीं भी अगर स्टैंड ऑफ लगा है मीन्स एक गतिरोध आ गया है, एक डेड लॉक आ गया है। कहीं पर अगर इंडक्ट हो रहा है मीन्स वहां पे भर्ती हो रही, क्या हो रही बच्चों, भर्ती हो रही, वर्ब के रूप में है, स्टैंड ऑफ एक नाउन के रूप में था आपका, तो इंडक्ट एक वर्ब रूप में क्या करना, भर्ती करना, अर्थात किसी को एनलिस्ट करना, रिक्रूट करना, इसी से रिक्रूटमेंट बना है, भर्ती याद करें, किसी को इंस्टॉल करना, इंट्रोड्यूस करना, इन्वेस्ट करना मीन्स भर्ती करना, किसके मीन्स इंडक्ट वर्ब के रूप में। वैकेट आप पहले से भी जानते होंगे, इसी से वैकेंसी वगैरह बना हुआ है, वैकेशन वगैरह बना हुआ है, कहीं भी अगर वैकेट है वर्ब के रूप में आपका है, वैकेट में खाली कर देना, किसी जगह वगैरह को छोड़ देना, इसी से इवैकुएट भी बनाया गया, खाली कराना, जब कहीं पे आग वगैरह लग जाती है तो लोग जो रेस्क्यू में होते हैं, रेस्क्यू का काम करते हैं, वो उस स्थान को इवैकुएट कराते हैं, मीन्स क्या कराते हैं, उसे खाली कराते हैं, क्योंकि वैकेट मीन्स खाली करना या उस स्थान को छोड़ना होता है। ठीक है, यानी आप उसे लीव कर रहे हैं, आप इवेकुएट कर रहे हैं, आप क्विट कर रहे हैं मीन्स छोड़ रहे हैं। क्विट वहां करते हैं बच्चों जहां पे जैसे आप कोई प्रोसेस है चल रहे हैं और बीच में आप हट रहे हो तो आप क्विट कर जाते हैं। अगर केबीसी आपने कभी देखा हो तो जब कोई कुछ पैसे जीत लिया करता था और उसे लगता था कि वो पैसे डूब जाएंगे अगर गलत बता दिया तो वो क्विट कर जाता था, यानी बीच में उसे प्रोग्राम को छोड़ देता था। नेक्स्ट वर्ड डिप्लोमैट है, एक नाउन के रूप में आप जानते हैं, एक जो कूटनीतिज्ञ होता है देश देश का वो आपका डिप्लोमैट होता है, जो रणनीतियों को तैयार करने का काम करता है, मीन्स कोई भी विदेश में नियुक्त किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी या राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ या राजनयिक व्यक्ति जो होता है वो डिप्लोमैट होता है, यानी एक तरह से वो एम्बेसडर है, एक तरह से वो एनवाय है, एक तरह से वो एमिसरी है, सारे वर्ड तैयार करिएगा, वो कौंसुल है या अटैची है या प्लेनिपोटेंशियरी है या ऑफिशियल लीगेट है वो, मीन्स ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसके सेंस में है, डिप्लोमैट। डिप्लोमैट कौन है, एक देश की तरफ से दूसरे देश में नियुक्त जो राजनयिक व्यक्ति होता है वो एक डिप्लोमैट होता है, जो सरकार के लिए कूटनीतियां रणनीतियां बनाता है। मन्यूवर पहले भी आप पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नाउन के रूप में इसका जो मेन है सावधानी या कुशलता की अपेक्षा वाली क्रिया, लेकिन इससे बेहतर वर्ड देखे आप ये तैयार करें बच्चों, कोई चाल या कोई युद्धाभ्यास जो होता है ये, या कोई युद्ध संचालन, ये क्या होता है आपका मन्यूवर होता है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा, MANOEUVRE। ठीक है, मन्यूवर कोई चाल, कोई युद्ध चालन, कोई युद्धाभ्यास जो होता है वो मन्यूवर होता है आपका। ठीक है, यह एक ऑपरेशन है यानी एक अभियान है, यह एक एक्टिविटी है, कोई कार्य है, एक मूव है, कोई कदम है, ये एक एक्शन है, कोई कार्य है, इसी सेंस में यहां पे यूज किया गया। स्कर्मिश क्या है, एक नाउन, अब देखिए आई एस एच लगा है लेकिन क्या है, यहां नाउन के रूप में है, एक्शन देखिए बच्चों किस रूप में वो कार्य कर रहा है, तो यहां एक झड़प है, झड़प मीन्स क्या, कोई बिहेवियर, तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो स्कर्मिश मीन्स लोगों के बीच जो झड़प होती है वो स्कर्मिश होते हैं। ठीक है, एक प्रकार की फाइट या बैटल या क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट या एनकाउंटर या कन्फ्रंटेशन, ये स्कर्मिश है। वर्ड जरूर तैयार करना, अगर लाइफ में आपको इंग्लिश में सफल होना है तो वर्ड पावर आपको हर हाल में अच्छी बनानी होगी, और वर्ड पावर तैयार करने का एक ही तरीका है, यूज करें, अपनी लाइफ में यूज करें, वर्ड्स को इजी बना दें, सिंप्लीफाई कर दें उनको आप। अरे यार उन दोनों देशों के बीच में स्कर्मिश हो गया, मीन्स क्या हो गई,
झड़ यानी उन देशों की सेनाओं के बीच में एक स्कर्मिश हो गया, झड़प हो गई, ऐसे याद हो जाएगा। मैं तुम्हारे मनीवर को समझता हूं, यानी मैं तुम्हारी चाल को समझता हूं, ऐसे यूज करेंगे तो आ जाएगा। स्टेटस क्वो एंटी, देखिए मैंने मेरे पढ़ाने के बच्चों क्या फायदा है, अभी कल या परसों, कल ही शायद मैंने आपको एंटी पढ़ाया था, एंटी, ठीक है, एंटी मैंने कहा था पहले, पूर्व, और स्टेटस क्वो क्या होता है, यथा स्थिति। स्टेटस क्वो क्या है, यथा स्थिति, अदालती भाषा में बहुत यूज होता है, तो नहीं जैसे अयोध्या में यथा स्थिति बनाए रखी जानी चाहिए, तो स्टेटस क्वो को बनाए रखा जाना चाहिए, लेकिन स्टेटस क्वो के एंटी है, यानी उससे पहले की जो स्थिति है वो स्टेटस क्वो एंटी हो जाएगा, ठीक है, यानी युद्ध पूर्व स्थिति जो है वो स्टेटस क्वो एंटी कहलाता है, यानी स्टेट ऑफ अफेयर्स कह लें, स्टेटस कह लें, या सर्कमस्टांसेस कह लें, या एग्जिस्टिंग कंडीशन कह लें, या सिचुएशन कह लें, ये स्टेटस क्वो एंटी होता है। और ये आज आपका आ गया एडिटोरियल बच्च, इंपॉर्टेंट, जो आप जानेंगे कि हाँ इसमें वर्ड पावर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, कुछ वर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे, और कंस्ट्रक्शन भी, स्ट्रक्चर भी आपको आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यानी कदम दर कदम, यानी एक कदम के बाद दूसरा कदम। ऑन इंडिया चाइना LAC, याद है आपके LAC पहले पढ़ा था आपने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी इंडिया चाइना LAC स्टैंड ऑफ याद हो गया, गतिरोध, कोई डेडलॉक, कोई इम्पास, कोई स्टैंड स्टिल, यानी भारत और चीन पर, भारत और चीन के बीच LAC पर जो गतिरोध है, स्टैंड ऑफ है, इसी पर ये एडिटोरियल आपका है, ठीक है। टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन टू द LAC स्टैंड ऑफ बट A start has been made. पहले वर्ड्स देख लेते हैं। टॉक्स यहां नाउन के रूप में है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो यहां नाउन हो जाएगा, वैसे देखे एस जोड़े हैं सब्जेक्ट के रूप में। विल नॉट फाइंड, विल क्या है, मॉडल के रूप में है, नॉट क्या है, एडवर्ब, फाइंड तब क्या हो जाए यहां पे, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, अब यहां ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यहां क्या है, नाउन, TIN, अगर नाउन है तो इमीडिएट क्या है, यहां पे एडजेक्टिव, तो एन आप जानते हैं आर्टिकल या डिटर्मिनेंट, टू द, टू के बाद द यानी नाउन फ्रेज आ गया, तो प्रीपोजिशन हो गया, द आप जानते हैं डिटर्मिनर है, LAC नाउन के रूप में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, स्टैंड ऑफ भी क्या है यहां पे, नाउन है आपका, और बट कंजंक्शन है, अ स्टार्ट सब्जेक्ट के रूप में है, तो अ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर या आर्टिकल, स्टार्ट यहां पे क्या है, नाउन है, सोचिए, हैज बीन मेड पैसिव वर्शन, द हैज बीन यहां हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में है और मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्रिट टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन याद है बच्चों, तीन मैंने बताया था, एक रिजोल्यूशन संकल्प के रूप में, डिटर्मिनेशन के रूप में, एक रिजोल्यूशन एक मोशन के रूप में, यानी प्रस्ताव के रूप में जो संसद में पारित कराया जाता है या पेश किया जाता है, और एक रिजोल्यूशन सॉल्यूशन के रूप में, मींस समाधान के रूप में, जो यहां यूज किया गया, ठीक है। तो टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, यानी जो बातचीत है ये नहीं पा सकते, इनसे नहीं मिलेगा एन इमीडिएट रिजोल्यूशन, एक तुरंत समाधान, यानी बातचीत से तुरंत समाधान नहीं मिलेगा टू द LAC स्टैंड ऑफ, किसके लिए, LAC का जो गतिरोध है उसके लिए, यानी LAC पर जो गतिरोध स्टैंड ऑफ है उसके लिए तुरंत समाधान नहीं मिलेगा, किससे, बातचीत से, बट लेकिन अ स्टार्ट हैज बीन मेड, लेकिन शुरुआत हैज बीन मेड कर दी गई है, यानी स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है, किससे, इसकी, टॉक्स की, हो सकता है उससे तुरंत समाधान न मिले लेकिन समाधान मिलेगा। बच्चों ये जो एडिटोरियल आपका, आप कह सकते हैं यहां पे एक सीरियस टोन आपको यूज किया गया है, जहां पे भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, मीन्स गतिरोध चल रहा है कई स्थानों पे, 2017 में आपने केवल डोकलाम पे आपने सुना था, लेकिन अभी आप कई जगह सिक्किम में आप देखेंगे, लद्दाख में देख रहे होंगे, कई जगहों पर यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसी पर पूरा एडिटोरियल है, जहां पर लेखक
कई तरीके की चीजें आपको बता रहे हैं। पहला, जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां क्यों हुई, कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ चीजों को शायद उसने हीड नहीं किया, HEED हीड मीन्स ध्यान देना, उसने अनहीड किया, यानी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज ये स्थिति आई। राजनाथ सिंह, या मैं शायद क्लियर नहीं हूं, पार्लियामेंट में जो रक्षा मंत्री थे उस समय कौन थे देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं बच्चों, तो जो राजनाथ सिंह थे उन्होंने ये वो यानी शपथ लेकर कहा था एक तरह से कि वो अक्साई चीन का जो इलाका है वो भी उसे ले लेंगे। तो फिर ये कहीं कहीं उतने बड़े विशाल उतने बड़े देश के लिए ऐसी बुरी लगी कि वो क्षेत्र जो हम अपना मानते हैं उस पर भारत अपना क्या कर रहा है, दावा पेश कर रहा है। इन चीजों में कहीं कहीं स्थिति को क्या किया, बदतर किया। फिर LAC के बिल्कुल पास चीनी सेना आकर धमक गई, उसने डिग इन कर लिया, डेरा जमा लिया, लेकिन यहां की इंटेलिजेंस ने पता नहीं सरकार को सूचना दी कि नहीं दी, अगर दी तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं दी तो ये फेलियर कैसे हुआ। ये कई सारी चीजें लेकर के ये एडिटोरियल आपके पास है जिसमें लेखक चाह रहा है कि भारत को कहीं कहीं दो चीज करना चाहिए। अगर चीन बातचीत से समझने के लिए तैयार है तो निश्चित ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अगर चीन इन सब चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है तो भारत को भी कहीं के स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि एक लॉन्ग ड्रान जो स्थिति है वो हो सकती है, यानी कहेंगे लंबी चलने वाला जो स्टैंड ऑफ है वो चलता रहे, लेकिन भारत को भी अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहिए यदि चीन बातों को नहीं समझता है तब। देखिए बच्चों, करें विद ऑफिशियल टॉक्स, यानी जो आधिकारिक बातचीत है, गेटिंग अंडरवे, अंडरवे क्या होता है, गेट अंडरवे चलते रहना, मीन जारी रखना, यानी जब ऑफिशियल टॉक्स यानी जो आधिकारिक बातचीत है गेटिंग अंडरवे चल रही है ओवर द वीकेंड, यानी सप्ताहांत के दौरान, यानी इस सप्ताह के दौरान अंडरवे यानी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया जारी है, किस चीज की, ऑफिशियल टॉक्स यानी आधिकारिक बातचीत की। द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ, जो महीनों लंबा स्टैंड ऑफ है, गतिरोध है, बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, किनके बीच में, चीन और भारत के सोल्जर्स के बीच में, एलांग द LAC कहां पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एलांग, याद हो गया एलांग किनारे, इन लद्दाख, लद्दाख में वो स्टैंड ऑफ है, एंड सिक्किम, सिक्किम में है। तो फिर ये जो ऑफिशियल टॉक्स है हैज एंटर्ड, एक मिनट बच्चों, यहां और एक चीज है, हाँ यहां पे आपका ये द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ जो है हैज एंटर्ड अ मोर कंसिडर्ड फेज, तो यह जो स्टैंड ऑफ है मीन्स लंबा चलने वाला, महीनों लंबा चलने वाला जो स्टैंड ऑफ गतिरोध है, हैज एंटर्ड, वो प्रवेश कर चुका है अ मोर कंसिडर्ड फेज, एक अधिक विचारणीय चरण में, स्तर पे, यानी जब एक ऑफिशियल टॉक्स गेटिंग अंडर वे ओवर द वीकेंड, सप्ताहों भर से क्या हो रही है, चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो महीनों चलने वाला स्टैंड ऑफ है, गतिरोध है, किनके बीच, भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, एलांग द LAC कहां पर, LAC के किनारे किनारे, इन लद्दाख एंड सिक्किम, तो ऐसा द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ हैज एंटर्ड अ मोर कंसिडर्ड फेज, कहीं कहीं वो स्टैंड ऑफ, वो गतिरोध जो है वो एक अधिक विचारणीय चरण में क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, अभी कल ही मैंने आपसे कहा था लिटिल न के बराबर, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, देखें बच्चों लिटिल के बाद सिंगुलर, फ्यू और अ फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। देयर वाज, और देखिए सिंगुलर नाउन था इसलिए वाज लग गया यहां देयर के साथ, देयर वाज लिटिल एक्सपेक्टेशन, यानी लिटिल मींस न के बराबर, यानी न के बराबर अपेक्षा थी दैट की द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, देखिए दिन का नाम है तो फ्राइडे पहले क्या लगा, ऑन, यानी जो शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई हेल्ड बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई किनके बीच, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों के बीच, यानी MEA के अधिकारियों के बीच, इन दिल्ली, जो दिल्ली में थे,
एंड देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट्स मीन्स समकक्ष, और जो MFA यानी जो चीन की वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उनके जो काउंटर पार्ट्स थे समकक्ष थे इन बीजिंग, कहा बीजिंग में, यानी बीजिंग में जो MFA के काउंटर पार्ट्स थे और दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, इनके बीच जो मीटिंग क्या हुई हेल्ड आयोजित हुई, कब, फ्राइडे को आयोजित हुई। एंड और टॉक्स बिटवीन द लेह कॉर्प्स कमांडर विद द साउथ जिंगजांग मिलिट्री रीजन कमांडर, और बातचीत हुई, टॉक्स हुई किनके बीच हुई, लेह कॉर्प्स कमांडर और उनकी बातचीत किससे हुई, साउथ जिनजैंग मिलिट्री रीजन कमांडर के साथ, यानी साउथ जिनजैंग मिलिट्री रीजन के कमांडर और लेह कॉर्प्स कमांडर के साथ क्या हुई, बातचीत हुई। हेल्ड इन द चुशुल मोल्डो रीजन, जो बातचीत कहां पे हुई, चुशुल मोल्डो रीजन क्षेत्र में हुई, ऑन चाइना साइड, किस तरफ, चाइना की तरफ, ऑफ द LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, ऑन सैटरडे, कब, शनिवार को। वो वुड यानी वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस, अब यहां देखे उसकी वर्ब है वुड बियर फ्रूट इमीडिएटली, उसका तुरंत कोई वो निकलेगा, परिणाम निकलेगा, बियर फ्रूट मीन्स परिणाम निकलना, उसका कोई तुरंत कोई परिणाम निकलेगा। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, ऐसे क्या थी, न के बराबर आशा थी, यानी इतनी सारी बातचीत का कोई एक्सपेक्टेशन यानी कोई इसका परिणाम निकलेगा, कोई बियर फ्रूट होगा मीन्स इसका परिणाम निकलेगा, इसका लिटिल एक्सपेक्टेशन था, मीन्स क्या था, न के बराबर आशा थी। However, जो भी हो, statements from both sides, statements याद है, वक्तव्य, ठीक है। However, जो भी हो, statements from both sides, दोनों ही तरफ से, जब भी both हो इसके बाद हमेशा plural लेते हैं, यानी दोनों ही तरफ से जो वक्तव्य हैं, that, कौन से वक्तव्य, कि the talks will continue, कि बातचीत क्या रहेगी, जारी रहेगी। ये दोनों तरफ के जो वक्तव्य हैं इंडिकेट, वो क्या करते हैं, एक इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि अ डिजायर, कि कहीं कहीं इच्छा है टू रिजॉल्व, हल करने की द सिचुएशन, इस स्थिति को, यानी इस स्थिति को हल करने की इच्छा है, ऐसा एक इंडिकेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि दोनों ही तरफ से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आए थे दैट द टॉक्स विल कंटिन्यू, कि बातचीत क्या रहेगी, जारी रहेगी। द MEA एंड द MFA, याद हो गया, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और MFA मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, ये चीन के लिए है और ये आपका भारत के लिए है। द MEA एंड द MFA हैव, देखिए एंड से जुड़े दो अलग अलग हैं, दोनों के पहले देखिए द लगा है इसलिए यहां पे हैव आ गया। द MEA एंड द MFA हैव आल्सो रीइटरेटेड, और देखिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या है, आल्सो, कई बार प्रयोग आया आपका, हैव आल्सो रीइटरेटेड, याद आपको रीइटरेटेड, बच्चों मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी वर्ड पावर जरूर अच्छी हुई होगी, और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो रेगुलर पढ़े उनकी अच्छी हो जाएगी, न अच्छी हो तब आप कहिएगा, जरूर अच्छी होगी बच्चों, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करें। अगर आपको याद हो रीइटरेटेड, किसी बात को दोहराना, फिर से कहना, यानी द MEA एंड द MFA हैव आल्सो रीइटरेटेड, उन्होंने दोहराया है देयर कमिटमेंट, ये वर्ड भी याद होगा, अपनी प्रतिबद्धता को, यानी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। देखिए यहां दो लोग थे ना, इसलिए यहां पे देयर लगा है, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है टू अबाइड बाई, देखिए कितना बढ़िया यूज, कितनी बार मैं बता चुका, अबाइड बाई पालन करना, कंप्लाई विद करना, कि वो अपनी उस प्रतिबद्धता को दोहरा चुके हैं टू अबाइड बाई, कि वो पालन करेंगे एग्रीमेंट्स, उन समझौतों का, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, यानी जो समझौता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के बीच हुआ था, उस समझौतों को वो लोग क्या करेंगे, अबाइड बाई करेंगे, पालन करेंगे, ऐसे कमिटमेंट को
इन दोनों ने, एम ई ए और एम एफ ए ने क्या किया है, दोहराया है, फिर से कहा है, विच, कौन सा समझौता बच्चों, विच, जो समझौता केम आया, यानी जो समझौता हुआ आफ्टर द लास्ट बिग स्टैंड ऑफ, पिछले जो बड़ा गतिरोध हुआ था एट डोकलाम इन 2017, जो 2017 में डोकलाम में बड़ा गतिरोध हुआ था, उसके बाद जो समझौता हुआ था नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग के बीच, उन समझौतों को अबाइड बाय करने का भी कमिटमेंट जो था उसे दोनों ने क्या किया, रीइटरेट किया, दोहराया। टू, क्या समझौता था उसमें, टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट। पढ़ने से इतना फायदा होगा जितना आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे। देखिए, एस्केलेट रिपीट हो गया, रीट्रीट रिपीट हो गया, बहुत सारी चीजें, कमिटमेंट रिपीट हो गया, ये वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे ना जिसको हम लोग देहात में घलुआ कहते हैं बच्चों, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, कहीं से भी बच्चों, ऐसा नहीं मेरे से, कहीं भी आप पढ़ेंगे वर्ड्स आपके लिए हर हाल में जी हो जाएंगे, यदि आपको पढ़ाने वाला अच्छा हो और वर्ड्स को बेहतर बार बार रिपीट करता हो। देखे, यानी क्या समझौता हुआ था, टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट, यानी समझौते में कहा गया था कि जो डिफरेंसेस होंगे, मतभेद होंगे, उनको इस सीमा तक अलाउ नहीं किया जाएगा टू एस्केलेट, कि वो बढ़ करके इनटू डिस्प्यूट्स, किसमें बदल जाए, विवाद में बदल जाए, यानी जो मतभेद हैं वो बढ़ करके विवाद हो जाए, बढ़ करके, ऐसा हमें अलाउ नहीं करना है। ऐसे क्या हुए, तुमके बीच में एग्रीमेंट्स हुए थे और उन्हीं एग्रीमेंट्स को अबाइड बाई करने के लिए एम ई ए और एम एफ ए ने क्या किया है, दोहराया है अपनी प्रतिबद्धता को। ठीक है, ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, यानी 2017 में जो डोकलाम की इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट घटना, एक्सीडेंट दुर्घटना, इवेंट बड़ी घटना, ठीक है, तीनों वर्ड तैयार कर ले। पहला इंसिडेंट नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं, दूसरा एक्सीडेंट ये एबनॉर्मल सेंस में गलत के लिए यूज करते हैं, जो बुरा हुआ हो, और इवेंट नॉर्मली बड़ी घटना के लिए यूज करते हैं। करें, ड्यूरिंग द डोकलाम इंसिडेंट, यानी डोकलाम की घटना के दौरान, ड्यूरिंग याद है ना, उसके दौरान, इवन आफ्टर अ मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑन द साइड लाइन्स ऑफ अ G20 समिट, यानी G20 समिट जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, उसके आसपास में जो लीडर्स के बीच मीटिंग हुई थी, देखिए बिटवीन है ना, दो ही लोग थे ना, जी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, इसलिए बिटवीन लगाए, उनके बीच में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद भी इट हैड टेकन सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट, सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट, बहुत बड़े स्तर पे भी कार्य हुए थे, बैठकें हुई थी, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, और ड्रा डाउन कि कमी ले आई जाएगी टू द 73 डे स्टैंड ऑफ, उस 73 दिन के गतिरोध में, नहीं 73 दिन के गतिरोध को ड्रा डाउन किया जाएगा, कम किया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए हाई लेवल एंगेजमेंट, सेवरल हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुए थे, यानी कई सारी बड़ी बैठकें हुई थी जो G20 के शिखर सम्मेलन के पहले उन दो नेताओं के बीच, अर्थात मोदी और जी जिनपिंग के बीच हुई थी। ठीक है, गिवेन, याद है गिवेन को ध्यान में रखते हुए, आगे इसके जो नाउन रहेगा उसी को ध्यान में रखते हुए, गिवेन द डिफरेंसेस बिटवीन द सिचुएशन नाउ एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स, यानी ध्यान में रखते हुए किस चीज को, उन मतभेदों को, कौन से मतभेद, बिटवीन द, यहां डिफरेंसेस में जो अंतर के लिए यूज किया गया है, आगे की वाक्य देखें, यानी जो सिचुएशन नाउ इस समय है एंड प्रीवियस इंसिडेंट्स और जो पहले की घटनाएं थी उनके बीच अंतरों को क्या रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इट वुड बी नाइव, नाइव मीन्स ऑनेस्ट, जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, सीधा साधा, भोला भाला हो, वो नाइव होता है, इट वुड बी नाइव, यानी इन चीजों को, इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए, इट वुड बी नाइव, ये अस्पष्ट होगा, टू अज्यूम, कहना, मान लेना, यानी ये मान लेना ईमानदारी से भरा होगा, स्पष्ट होगा, दैट की
दिस स्टैंड ऑफ, कि ये जो गतिरोध है कैन बी रिजॉल्वड, पैसिव वॉइस है, ये गतिरोध भी हल किया जा सकता है क्विकली, तुरंत ही, थ्रू टॉक्स, किसके द्वारा, बातचीत के द्वारा। इसी समझ सकते हैं बच्चों, द स्टैंड ऑफ, ये जो गतिरोध है इज एट मोर देन वन लोकेशन, ये कहां है, मोर देन वन लोकेशन, लोकेशन स्थान, यानी यह मोर देन वन लोकेशन पर गतिरोध है, इंक्लूडिंग कौन कौन से लोकेशंस, इंक्लूडिंग द फिंगर एरियाज ऑफ द पेंगोंग सो, पेंगोंग सो का जो फिंगर एरियाज है वो भी उसमें शामिल है, गालवा वैली जो है वो भी शामिल है, एंड गोगरा पोस्ट जो है लद्दाख में वो भी शामिल है, एंड द नाकुला पास इन सिक्किम, और सिक्किम के पास जो नाकुला पास से दर्रा या रास्ता है वो भी शामिल है। ये सब जो है इस समय यहां पे स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, मीन्स क्या चल रहे हैं, गतिरोध चल रहे हैं, एंड और इट विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी, यानी सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, टू डिसाइड, निर्णय लेने के लिए, हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स, इंडक्ट भर्ती करना, तो डी इंडक्ट हटाना, वापस लेना, कि उन सोल्जर्स को कैसे वहां से हटाया जाए, ये निर्णय करने के लिए केयरफुल स्टडी जो होगी विल रिक्वायर, उसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। फर्दर मोर, याद है फर्दर मोर, इससे आगे, अ स्टेटस क्वो एंटी, यानी जो यथा स्थिति, युद्ध पूर्व की स्थिति है, वो विल रिक्वायर, उसकी जरूरत पड़ेगी, दैट की चाइनीज सोल्जर्स, कि जो चीन के सैनिक हैं, वैकेट एरियाज, उन क्षेत्रों को खाली कर दें, वेयर दे हैव डग इन, जहां वो डेरा जमाए बैठे हैं, जहां अपने को स्थापित कर चुके हैं, फॉर वीक्स नाउ, कब से, सप्ताहों से, यानी अभी सप्ताहों से, जहां वो डग इन किए हुए हैं, डेरा जमाए बैठे हैं, उन स्थानों को वो वैकेट करें, क्या करें, उन्हें खाली करें, कौन, वो चाइनीज सोल्जर, ये जरूरत होगी, अर्थात कहीं कहीं इसकी जरूरत होगी, कि युद्ध पूर्व स्थिति को, यथा स्थिति को क्या रखा जाए, बनाए रखा जाए। मेन वर्ड्स पे फोकस करिए और कॉन्सेप्ट देखें आप बच्चों, ठीक है, नथिंग शॉर्ट ऑफ देयर फुल विदड्रॉल शुड सैटिस्फाई इंडिया, नथिंग शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स कम, ऑफ देयर फुल विदड्रॉल, फुल विदड्रॉल पूर्ण वापसी, उनकी, किनकी, चीनी सैनिकों की, यानी चीनी सैनिकों की पूरी वापसी से कम, शुड सैटिस्फाई इंडिया, नथिंग शुड सैटिस्फाई इंडिया, यानी भारत को कुछ और संतुष्ट नहीं करना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी जब तक उन चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी न हो जाए, तब तक भारत को कहीं से भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात भारत को तभी संतुष्ट होना चाहिए जब चीनी सैनिकों की क्या हो जाए, फुल विड्रॉल हो जाए, पूर्ण वापसी हो जाए, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट कि मोर देन टॉक्स ऑन द ग्राउंड, ने जो जमीनी स्तर पे बात है उससे ज्यादा, एंड बाय डिप्लोमैट्स, और जो कूटनीतिज्ञों के द्वारा बातचीत चल रही है उससे ज्यादा, देर इज अ नीड, उससे ज्यादा जरूरत है फॉर स्ट्रांग पॉलिटिकल डायरेक्शन, कि एक मजबूत राजनीतिक दिशा निर्धारित की जाए फ्रॉम बीजिंग, यहां दिशा निर्देश के रूप में है, यानी केवल जो ग्राउंड पे बातचीत चल रही है उससे, और जो डिप्लोमैट्स के द्वारा बातचीत चल रही है उससे ज्यादा, देर इज अ नीड, ये जरूरत है फॉर स्ट्रांग पॉलिटिकल डायरेक्शन, कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया जाए फ्रॉम बीजिंग, किसके द्वारा, बीजिंग से दिया जाए, टू द पीएलए, किसको, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को, ठीक है, ये कौन है, वहां की सेना, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसे बीजिंग एक स्ट्रांग पॉलिटिकल डायरेक्शन दे, यानी मजबूत राजनीतिक संदेश दे, टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, देयर फुल विदड्रॉल, कि वो पूरी तरह से उन सेना की क्या हो जाए, उनकी वापसी हो जाए, अदरवाइज, अन्यथा होता है ना, अदरवाइज अन्यथा, इंडिया मस्ट प्रिपेयर, भारत को तैयार हो जाना चाहिए, फार, प्रिपेयर के साथ फार लगाते हैं बच्चों, ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, होता है ना,
इंडिया अन्यथा इंडिया मस्ट प्रिपेयर, भारत को तैयार हो जाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ, यानी एक ऐसे गतिरोध के लिए लॉन्ग ड्रॉन जो लंबे समय तक चलता रहेगा, एंड और किसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, एंड मनीवर्स और उन रणनीतियों के लिए, उस प्रकार के कदमों के लिए, मूव्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए एम्ड एट, जिन कदमों का लक्ष्य हो इंश्योरिंग चाइनास पुल बैक, इस बात को सुनिश्चित कर लेना कि चीन की पूरी तरह से, चीनी सेना की पूरी तरह से क्या हो जाए, वापसी हो जाए, अर्थात उनके कदम क्या हो जाए, पीछे हट जाए। इसके लिए इंडिया को क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि लॉन्ग रन स्टैंड ऑफ हो सकता है, लंबे समय तक गतिरोध चल सकता है, और इंडिया को ऐसे चाल, ऐसे कदम भी उठाने चाहिए जिस कदम का ये लक्ष्य हो, देखिए एम एम एट के साथ देखिए आईएनजी है ना, जिस कदम का लक्ष्य हो यह इंश्योर करना, यह सुनिश्चित करना कि चीन की सेना पुल बैक, पूरी तरह से वापस हो जाए। इन अडिशन इसके अलावा इवन एज द गवर्नमेंट ट्राइज, भले ही सरकार कोशिश करती हो टू एनालाइज, विश्लेषण करने की द रीजंस, उन कारणों का फॉर चाइनाज अग्रेसिव एक्शन, कि आखिर चीन इतना अग्रेसिव एक्शन क्यों ले रहा है, इतना आक्रामक कार्यवाही क्यों कर रहा, यानी इसके अलावा कहीं कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए यह विश्लेषण करने की कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चीन जो है इतना आक्रामक एक्शन ले रहा है। इसके अलावा यानी ये एनालाइज करने के अलावा इट मतलब सरकार इंडिया, इट मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, कहीं कहीं इसे आत्ममंथन भी करना चाहिए ऑन सिग्नल्स, उन संकेतों पर इट मिसरेड, जिन संकेतों को मिसरेड भारत ने या सरकार ने कहीं कहीं गलत तरीके से समझा, एंड वार्निंग्स और उन चेतावनियों को गलत तरीके से लिया, दैट वेंट अनहीडेड, अर्थात जो सिग्नल्स या जो चेतावनियां वेंट अनहीडेड, अर्थात उन पर हमने क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, अक्रॉस इट्स स्ट्रेटजिक कमांड, अर्थात जो रणनीतिक चाल थी, रणनीतिक कमांड थी, उस पर हमने पूरी तरह से क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। इन चीजों पर भी एनालाइज करने की क्या है आवश्यकता, कि आखिर चीन इतना आक्रामक क्यों हो गया। इफ यदि सच स्कर्मिसेस, याद है बच्चों स्कर्मिसेस मीन्स झगड़े झड़प, यदि ऐसी झड़पें नॉर्मली फॉलो, सामान्यतः होती रहती हो, द मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइंस, यानी बर्फ के पिघलने पर, बर्फबारी के बाद यानी पिघलने पर यदि ऐसी झड़पें नॉर्मली होती रहती हो, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, देन तो फिर वाई वाज द एलएसी नॉट एडिक्वेटली मैंड इन अप्रैल में, तो फिर सरकार ने अप्रैल मई में ही एडिक्वेटली मैंड क्यों नहीं किया, यानी पर्याप्त रूप से वहां पर सैनिकों को क्यों नहीं भेजा, वहां क्यों नहीं लोगों को भेजा, यदि भारत को पता था कि मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइंस यानी बर्फबारी की जब होगी बर्फबारी तो फिर इस तरीके के झड़पें होंगी, अगर सरकार को पता था तो देन व्हाई वाज द एलएसी नॉट एडिक्वेटली मैंड इन अप्रैल में, तो अप्रैल और मई में एडिक्वेटली मैंड, पर्याप्त रूप से वहां सैनिकों को एलएसी पर क्यों नहीं भेजा गया, ये प्रश्न है लेखक का सरकार से। सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन, नोटिस में ध्यान, यानी गंभीर रूप से नोटिस शुड हैव बीन टेकन, ध्यान दिया जाना चाहिए था ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट, किस चीज पर, चीन के विरोध पर, किस चीज के विरोध पर, ऑन द रीड्राइंग ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मैप्स, जब चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो नक्शे हैं उनको रीड्रा कर रहा था, फिर से बना रहा था, तो इस पर सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन ऑफ चाइनाज प्रोटेस्ट, उस समय चीन के विरोध पर क्या लिया जाना चाहिए था, बहुत गंभीर ध्यान दिया जाना चाहिए था। एज वेल एज, याद है एज वेल एज, और इसके साथ साथ द इम्पैक्ट, उस प्रभाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था ऑफ द होम मिनिस्टर्स वो इन पार्लियामेंट, जो प्रभाव किसकी वजह से पड़ सकता था, ऑफ द होम मिनिस्टर्स, सारी गृह मंत्री की बात है सारे बच्चों, यानी अमित शाह की, यानी अमित शाह जब गृह मंत्री जो थे वो जब पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे, वो ले रहे थे किस चीज का, टू टेक बैक अक्साई चीन, कि हम अक्साई चीन भी क्या करेंगे, टेक बैक वापस ले लेंगे,
तो इसके प्रभाव क्या होंगे इस चीज पर भी सीरियस नोटिस शुड हैव बीन टेकन, अच्छी तरह से उन पर क्या देना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। द डिफेंस मिनिस्टर, यहां देखे है बच्चों रक्षा मंत्री का, द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड, नहीं रक्षा मंत्री ने कहा है दैट की चाइनीज ट्रुप्स, कि जो चीन की टुकड़ियां हैं, सेना की टुकड़ियां हैं, अराइव्ड इन हेवी नंबर्स, वो भारी संख्या में आ गई थी, एंड और देयर फॉर, और इसीलिए द गवर्नमेंट, इसीलिए जो सरकार है, मस्ट आल्सो स्टडी, यानी उसे इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि व्हाट इंटेलिजेंस वाज रिसीव्ड, कि कौन सी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी एहेड ऑफ सच मूवमेंट, इस प्रकार के कदम से पहले, यानी इस प्रकार के कदम से पहले कौन सी इंटेलिजेंस की सूचना यानी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, सरकार को इस चीज का भी क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। एंड और व्हेन एक्शन वाज टेकन अपॉन इट, और इस चीज पर भी अध्ययन करना चाहिए कि इस पर कब एक्शन लिया गया। फाइनली अंततः व्हाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल, ये भी सोचना होगा कि आखिर ये स्टैंड ऑफ यानी ये जो गतिरोध है व्हाई हैज इमर्ज, आखिर क्यों ये सामने आया, यानी गतिरोध क्यों उभर कर आया आफ्टर द इंटेंस समिट लेवल कन्वर्सेशन, वो भी तब जब इंटेंस गहन तौर पर बड़े तौर पर शिखर सम्मेलन के लेवल पर कन्वर्सेशन हुए थे, बातचीत हुई थी इन वुहान, कहां वुहान में हुई थी, एंड मालामपुरम, और कहां हुआ था क्या है मामलापुरम, यहां पे हुआ था टू डिस्कस, क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बिल्डिंग, देखिए डिस्कस के बाद कोई अबाउट नहीं, किस चीज पर चर्चा करने के लिए, बिल्डिंग ट्रस्ट की विश्वास बहाली हो एट द एलएसी, कहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो अगर इस तरह की बातचीत के बावजूद व्हाई हैज द स्टैंड ऑफ इमर्ज एट ऑल, आखिर ये गतिरोध क्यों आया, क्यों हुआ, गिवन को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को, द गवर्नमेंट्स साइलेंस, कि सरकार की क्या है बिल्कुल चुप्पी है ऑन इवेंट्स, इन घटनाओं पर दस फार, याद है दस फार सो फार अब तक, यानी इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सरकार कहीं कहीं इन घटनाओं पर क्या है अभी तक चुप है, इट इज अनलाइकली, और जब सरकार चुप है तो यह संभव कम ही है, कम ही संभावना है दैट की इट विल पुट आउट एंसर्स, कि क्या देगी सरकार, जवाब देगी टू दीज क्वेश्चन पब्लिकली, यानी सार्वजनिक रूप से इन प्रश्नों का सरकार जवाब देगी, इट इज अनलाइकली, ऐसी संभावना कम ही है, क्यों, क्योंकि सरकार कहीं कहीं घटनाओं पे साइलेंस चुप्पी बनाए हुए है, बट लेकिन इन एनी इवेंट, किसी भी घटना में दे मस्ट बी शॉर्ट, यानी जो एंसर्स हैं दे मस्ट बी शॉर्ट, निश्चित ही उनकी चाहत, उनकी जरूरत होनी चाहिए, निश्चित ही हमें प्रश्न पूछने चाहिए और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं देखने जल्दी से, स्टैंड ऑफ याद हो गया आपको, गतिरोध कोई व्यवधान, रिजॉल्व याद हो गया हल कर लेना यहां पे, इंसिडेंट कोई घटना, अज्यूम मानना धारणा बना लेना, डग इन डिग इन का थर्ड फॉर्म बच्चों यहां पे है, डग इन कहीं पर डेरा जमा लेना, अस्थाई रूप से निवास कर लेना, रिजोल्यूशन तीनों बताया था मैंने आपको, प्रस्ताव भी समाधान भी और संकल्प भी, रिट्रेटेड फिर से दोहराया, साइड लाइंस यानी उसके पास, फिंगर एरियाज एरियाज हैं क्षेत्र हैं, विदड्रॉल स्पेलिंग इसके तैयार कर लीजिएगा, विदड्रॉल वापसी को कहते हैं, अंडरवे यानी गोइंग ऑन जो चीज चल रहा हो, कमिटमेंट प्रतिबद्धता को कहते हैं जो आपने अपना कमिटमेंट दे दिया हो, इंगेजमेंट्स यानी बातचीत किसी चीज में शामिल होने का कार्य, डी इंडक्ट यानी वापस लेना कम करना, डिप्लोमेट्स कूटनीतिज्ञ, एनालाइज विश्लेषण करना, अनहीडेड ध्यान नहीं दिया, रीड्रा फिर से खींचा फिर से बनाया, ट्रुप्स सेना की टुकड़ियां, दस फार अब तक सो फार, कंसिडर्ड विचारणीय, अबाइड बाई याद है मीन्स पालन करना किसी समझौते का किसी नियम कानून का, इंश्योर सुनिश्चित करना, बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं बच्चे हर एडिटोरियल में, याद हो जाएगा आपको, फर्दर मोर इससे आगे,
लॉन्ग ड्रॉन लंबे समय तक चलने वाला, अग्रेशन मीन्स आक्रामकता, स्ट्रेटजिक रणनीतिक, मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स बर्फ का पिघलना, इमर्ज्ड सामने आया उभर कर आया, अनलाइकली जिसकी संभावना कम हो, काउंटर पार्ट्स काम आएगा समकक्ष, एस्केलेट किसी चीज को तीव्र कर देना बढ़ा देना, ड्रा डाउन कम कर देना, स्टेटस क्वो एंटी यथा स्थिति से पहले की स्थिति, मैन्यूवर्स चाल आपका युद्धाभ्यास युद्ध चालन, इंट्रोस्पेक्ट आत्म मंथन करना आत्म परीक्षण करना, स्कर्मिसेस झड़पें झगड़े, वो शपथ लेना, इंटेंस गंभीर गहन तीव्र, पुट आउट के कई अर्थ होते हैं यहां पे, कहना जवाब देने के सेंस में था, वैसे पुट आउट मीन्स बुझाना भी होता है, बियर फ्रूट फल मिलना मीन्स परिणाम निकलना, डिस्प्यूट्स विवाद झगड़े क्लैशेस, नाइव मीन्स सीधा साधा भोला भाला ईमानदारी से भरा हुआ, वैकेट खाली करना, पुल बैक पीछे हटाना पीछे ढकेलना, मिसरेड अर्थात जिसका आपने सही तरीके से अंदाज न लगा पाए हो पढ़ न पाए हो, मैंड अर्थात लोगों के एक तरह से वहां ले जाने का कार्य, टेक बैक वापस लेना, समिट याद होगा आपको शिखर या शिखर सम्मेलन के रूप में, और शॉर्ट सीक की थर्ड फॉर्म में जिस चीज के आपको चाहत हो जरूरत हो बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं फास्ट लेके आपको चल रहा हूं, लेकिन वर्ड पावर वगैरह मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ये जरूर तैयार करें, स्ट्रक्चर्स में मैं आपके साथ थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा हूं, आगे और बेहतर मैं करूंगा, यहां मेहनत करें और अपना सपोर्ट बच्चों बनाए रखें हमेशा, ताकि आपके टीचर को भी कहीं कहीं एक हौसला अफजाई हो कि बच्चे उसके साथ हैं लगे हुए हैं बच्चे, तब वो टीचर और मेहनत करके आपको देने की कोशिश करता है बच्चों। ठीक है, हमेशा खुश रहें आप, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हमेशा खुश रहें आप।